हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। गाइस, जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी से बात करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाले ने आपका मैसेज रीड कर लिया है? ऑब्वियसली ब्लू टिक के थ्रू। जब आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है तो आप समझ जाते हो कि हाँ, हमारे फ्रेंड ने मैसेज हमारा पढ़ लिया है। बट कभी कभी ऐसा होता है ब्लू टिक नहीं आता है। उसके पीछे रीज़न ये है, बहुत सारे लोग अपना ब्लू टिक बंद कर देते हैं जिससे कि सामने वाले को पता ही ना चले कि उन्होंने उनका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या रीड अभी तक नहीं किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि सामने वाले बंदे ने आपका मैसेज रीड किया है या नहीं। भले ही उसने ब्लू टिक अपना बंद कर रखा हो, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, जब भी आप मैसेज करोगे किसी को तो सामने वाले ने अगर ब्लू टिक बंद कर रखा है तो आपके पास ब्लू टिक नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल टिक दिखाई देंगे दोनों। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैसेज भेजने के बाद एक रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि एक दो सेकंड की कुछ भी रिकॉर्डिंग आप भेज दो और जैसे ही इस रिकॉर्डिंग को आपका दोस्त यानी कि सामने वाला बंदा जिसको आप भेज रहे हो वो ओपन करके सुनेगा, तब यहाँ पर आपको ब्लू टिक दिखाई दे जाएगा। क्योंकि ब्लू टिक जो होता है अगर कोई ऑफ करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के लिए होता है, जो मैसेज आप व्हाट्सएप पर लिख के भेजते हो। वॉइस नोट के लिए ब्लू टिक नहीं होता है। तो अगर आपको कोई दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको फटाफट वॉइस नोट भेजो और जैसे ही आप वॉइस नोट भेजोगे अगर वो सुनता है तो यहाँ पर आपको ब्लू टिक दिखाई दे जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सारे मैसेजेस आपका दोस्त पढ़ तो रहा है लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, मैं आप लोग मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।